स्मार्ट सिटी के बड़े बड़े घोटाले बरेली में किए जा रहे हैं, इसलिए ये अधिकारी मेरी आवाज़ दबाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ दबा लूं और इनके घोटाले इनको करने दूं। जो साफ है वो साफ दिखेगा और भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होके रहेगी। रिपोर्ट कह रही है कि हम पैमाइश नहीं कर सकते, कोई कब्जा नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है, तो कब्जा कहाँ से हो गया? देखिए, जब अधिकारियों की शिकायत की जाती है, उनके भ्रष्टाचार का खुलासा किया जाता है, तो निश्चित रूप से वो आरोप लगाते हैं। और ख़ास तौर से जब आप किसी एक पार्टी में होते हैं तो दूसरी जो विरोधी पार्टी है उसका काम होता है आरोप लगाना, और वो ऐसे स्वार्थ, कुछ ना कुछ ऐसे अधिकारियों को अपने स्वार्थ से ऐसा भर लेते हैं कि कोशिश करते हैं कि उन्हीं की भाषा में वो बोलें। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, आप सभी प्रेस वार्ता में भी रहे हैं, आपको एक रिपोर्ट दी गई जिसके आधार पर ये दिखाया गया कि इन्वर्टिस विश्वविद्यालय का कब्जा है। वो ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट के कागज आप सभी को दिए गए। मैं चाहता हूँ कि इसके कागज आप लोग भी खोल लें। मैंने एक कॉपी आपको दे दी है, मैं इसकी कुछ लाइनें आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि कब्जा है या कब्जा नहीं है। क्योंकि आप ही लोग हैं, जब मैं चाहता हूँ, अगर आपके समझ में आता है कि कब्जा नहीं है, तो ऐसे अधिकारी जिन्होंने गलत रिपोर्ट बनाई है, जिन्होंने गलत रिपोर्ट सबमिट की है, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें जहाँ पे कब्जे की बात आई है इस रिपोर्ट में, उसमें जो पैरा है मैं वो पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ क्या लिखा है। उसमें लिखा है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 15/9/2005। मैं ये पूछना चाहता हूँ इन अधिकारियों से, जिन्होंने इसमें ये लिखा है कि इलाहाबाद के आदेश, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश, क्या नगर निगम के अधिकारी या विरोधी पार्टी के नेता, पूर्व मेयर, क्या वो गए थे उच्च न्यायालय, ये आदेश वो लोग करा के लाए थे? मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये आदेश इन्वर्टिस विश्वविद्यालय द्वारा, हम हाईकोर्ट गए थे, माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए थे, क्योंकि उस समय भी पूर्व मेयर डॉक्टर ए.एस. तोमर उस समय मेयर थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे और आदरणीय आजम खान साहब नगर विकास मंत्री थे। वही सरकार थी, हमें कोई भरोसा नहीं था कि ये लोग हमारे ऊपर ज़बरदस्ती दबाव बना रहे थे, क्योंकि हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की लड़ाई लड़ रहे थे कि दो कॉलेजों के बीच में ये प्लांट नहीं लगना चाहिए। तो इन्होंने जब ज़मीन की हमारे ऊपर विवाद की कार्रवाई करने की कोशिश की, तो माननीय उच्च न्यायालय की शरण में हम खुद गए और हमने ये आदेश कराया कि 10 लोगों की टीम, जिसमें SDM बरेली, SDM फरीदपुर, तहसीलदार बरेली, तहसीलदार फरीदपुर और अन्य राजस्व निरीक्षक की एक टीम बनी, और उस टीम ने पैमाइश की, जिसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। इस रिपोर्ट में कहीं भी इन्होंने ये नहीं लिखा कि उस पैमाइश के बाद 12 फरवरी 2006 को, वो भी मैंने कागज आपको उपलब्ध कराए हैं, इन्होंने कहीं इसमें नहीं लिखा कि उसमें 12 फरवरी 2006 को इन्होंने कब्जा ले लिया था। महाराजा अग्रसेन कॉलेज और इन्वर्टिस इंस्टीट्यूट पर जो भी अवैध कब्जा पाया गया था वो 12/2/2006 में ही लिया जा चुका है। उसके अलावा हमारी ज़मीन पर जो किसानों का कब्जा था वो भी हमें दिलाया गया था, उसका भी जिक्र इन्होंने कहीं नहीं किया। इन्होंने इसमें आगे एक बात लिखी कि ये जो इसके बाद इन्होंने भूमि क्षेत्रफल 20 किला रकबा 0.8596 हेक्टेयर है, जिसमें तहसीलदार फरीदपुर की आख्या 30/6/2019 के अनुसार उल्लेखित रकबे पर 0.492 हेक्टेयर भूमि मौके पर कम पाई गई, जिस पर इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी की बाउंड्री वॉल बनी है। इन्होंने ये इस आधार पर लिखा, तहसीलदार फरीदपुर की आख्या दिनांक 30/6/2019। मैं यहाँ आपको ये दोबारा बताना चाहता हूँ कि तहसीलदार की आख्या 30 जून 2019 के आधार पर इन्होंने लिखा है। मैं चाहता हूँ कि आप 30/6/2019 की तहसीलदार की आख्या को पढ़ें, 30/6/2019 की SDM की रिपोर्ट, 30/6/2019 की तहसीलदार की आख्या, ये क्या कहती है? इसमें लिखा हुआ है कि पैमाइश के समय तैयार किए गए नक्शी नजरे का उपलब्ध सजरे से मिलान किया गया, और मिलान से स्पष्ट हुआ कि गाटा संख्या 40/1, 22/3, 30/1
के आंशिक भाग पर इनवर्टिस विश्वविद्यालय की बाउंड्री वॉल बनी प्रतीत होती है। कब्जा नहीं है, बनी प्रतीत होती है, ये भी श्योर नहीं थे कि है क्या। फिर आगे क्या लिखते हैं, ये इसी के नीचे की लाइन जो लिखी है कि टचिंग ग्राउंड भूमि के उप जिलाधिकारी फरीदपुर महोदय के आदेश दिनांक 9/2/2010 द्वारा ZLR एक्ट की धारा 143 के अंतर्गत आकर्षक भूमि घोषित कर दिया गया है। जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की जमीन थी उसको आकर्षक इन्होंने 2010 में कराया था। स्थल पर भवन व टीन शेड आदि बने हुए हैं। वह भूमि आबादी के रूप में दर्ज है जिसमें तहसील स्तर से राजस्व टीम द्वारा सटीक पैमाइश किया जाना संभव नहीं है। रिपोर्ट कह रही है कि पैमाइश किया जाना ही संभव नहीं है, इसलिए ट्रेचिंग ग्राउंड की सटीक पैमाइश के लिए टोटल सर्वे की विधि द्वारा पैमाइश किया जाना उचित होगा। ये रिपोर्ट कह रही है, रिपोर्ट कह रही है कि हम पैमाइश नहीं कर सकते, कोई कब्जा नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। तो कब्जा कहाँ से हो गया? इस रिपोर्ट के आधार पर जिस भी अधिकारी द्वारा कब्जे की रिपोर्ट बनाई गई, क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्योंकि स्मार्ट सिटी के घोटालों के बारे में मैं लगातार बोल रहा हूँ, स्मार्ट सिटी के बड़े बड़े घोटाले बरेली में किए जा रहे हैं, इसलिए ये अधिकारी मेरी आवाज़ दबाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ दबा लूँ और इनके घोटाले इनको करने दूँ। जी देखिए, मैंने बार बार लिखा है माननीय आयुक्त महोदय के बारे में, मैंने कई बार लिखा है, मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जब अभी बरेली आए थे तब भी मैंने बोला था, सारे मीडिया में छपा था। मैं लगातार बोल रहा हूँ कि जो ICCC का टेंडर है, जो सहारनपुर में 80 करोड़ का हुआ, जो अलीगढ़ में 70 करोड़ का हुआ, ऐसी आखिर क्या बात है कि बरेली में वही टेंडर 160 करोड़ का हुआ? क्या बरेली सहारनपुर और अलीगढ़ के मुकाबले बहुत ज़्यादा बड़ा है? अगर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है तो वही टेंडर, सेम चीज़ें लगनी है, सेम कैमरे लगने हैं, वहाँ 80 करोड़ का हो सकता है तो यहाँ 180 करोड़ का क्यों, 160 करोड़ का क्यों? तो ये बात अपने आप समझ में आती है कि लोग क्या चाहते हैं। इस पर क्या एक्शन लिया? मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरा अवगत कराया है, मैंने पूरा जन सुनवाई के माध्यम से भी मैंने इसमें अवगत कराया है कि क्या स्थिति है, रिपोर्ट क्या कह रही है और अधिकारी बना के क्या भेज रहा है। मैं तो चाहता हूँ उसकी जाँच होनी चाहिए। एक और बात बताना चाहता हूँ कि अधिकारी कहाँ तक, किस स्तर तक जा सकते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। मैंने अभी आपको ये रिपोर्ट पढ़ के बताई जो 30/6/2019 की तहसीलदार की, जिसकी रिपोर्ट इन्होंने कहा था, लेकिन इससे पहले 28/6/2019 को ये रिपोर्ट बनाई गई। ये 30/6 को नहीं, ये 28/6 को ही रिपोर्ट बनी थी। और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था कि श्रीमान नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम बरेली के पत्र संख्या 11/53 और डेटेड 15/3/2019 में अंकित घाटाफल नंबर सो एंड सो के तहत में अंकित घाटे 08.58 हेक्टेयर होता है। इस आधार पर उपरोक्त पत्र में उल्लेखित घाटों की संख्या स्थलीय क्षेत्रफल से 0.31 हेक्टेयर अधिक है। ये मैं नहीं कह रहा हूं साहब, ये तहसील की रिपोर्ट कह रही है कि जमीन इनकी 0.31 हेक्टेयर अधिक है। इस पर भी अधिकारियों के साइन है, मेरे साइन नहीं है, इस पर भी अधिकारियों के साइन है। एक जगह अधिकारी कह रहा है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो था उसकी जमीन अधिक है, एक जगह कह रहा है कि बाउंड्री वॉल बनी प्रतीत होती है, एक जगह कह रहा है कि बाउंड्री वॉल शायद उनकी जमीन पर कब्जा है। तो आखिर कौन अधिकारी सही है और कौन सा अधिकारी गलत है, ये तय होना चाहिए। ये तय होना चाहिए कि क्या वही अधिकारी कह रहे हैं गलत है जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की आड़ में, या विपक्षी पार्टियों के मेयर, पूर्व मेयर या अधिकारियों से पैसा खाकर, मैं साफ कह रहा हूँ, पैसा खाकर गलत रिपोर्ट बयानीबाजी कर रहे हैं, या अपने आप को स्मार्ट सिटी के घोटालों से बचाते हुए, स्मार्ट सिटी के घोटालों से बचाकर इस मुद्दे को कहीं और डाइवर्ट करना चाहते हैं। मैं आपके सामने हूँ, मैं हर जब मैं उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय स्वयं जा सकता हूँ कि मेरी ज़मीन ना पिए, तो मैं हर जांच के लिए भी तैयार हूँ। जो आदमी, इन्होंने ये भी लिखा था कि साहब उन्होंने 90 बीघे ज़मीन दान करी,
उसकी स्टाम्प ड्यूटी के भी पैसे हमने दिए, उसमें भी इनको दिक्कत थी, तो दिक्कत थी तो हमारी जमीन वापस कर देते दान करी हुई। जो आदमी 90 बीघा जमीन दान कर सकता है वो 1000 गज या 2000 गज किसी की जमीन क्यों दबाएगा। और 2006 की रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, माननीय उच्च न्यायालय में जब हम गए थे, माननीय उच्च न्यायालय का ये आदेश है जिसमें 2006 में, जब ये 2005 में ये आदेश हुआ, 2005 में ये आदेश हुआ कि भाई सर्वे किया जाए और उसमें इस तरह की टीम लगेगी और पिटिशनर यानी कि हम इसमें सहयोग करेंगे, तो हमने सहयोग करते हुए रिपोर्ट तैयार हुई। रिपोर्ट में अंकित हुआ कि कितना जमीन हमारी किसानों ने दबा रखी है, कितनी ज़मीन महाराजा अग्रसेन के पास दबी हुई है और कितनी ज़मीन इन्वर्टिस इंस्टीट्यूट के पास दबी हुई है। इसके बाद इन्होंने कार्रवाई करते हुए, क्योंकि मैं फिर भी दबाव में नहीं आया, मैंने जो है सीधा लिखा कि भाई अगर आपकी ज़मीन भी है तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, आप अपना काम करिए, मुझे अपना काम कर रहा है। तो इन्होंने 12 फरवरी 2006 की रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें थाना अध्यक्ष बिथरी चैनपुर, जहाँ पर हमारा इन्वर्टिस इंस्टीट्यूट आता है, उन्होंने ये लिख के दिया था कि आपको अवगत कराना है कि आज दिनांक 12/2/2006 को नगर निगम बरेली के द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने संबंधी कार्रवाई के उपरांत इंस्टीट्यूट की दीवार टूटने से आपको अतिक्रमित सामान एवं इंस्टीट्यूट में मौजूद सामान की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी खुद करनी है। तो अतिक्रमण अगर हटाया गया था तभी तो जिम्मेदारी हमें करनी है, या बिना, और इसमें उक्तिया थानाध्यक्ष उस समय के झूठ बोल रहे हैं। ये 2006 नगर निगम के अधिकारी क्या कहते हैं, ये नगर निगम के अधिकारियों की रिपोर्ट है 2006, सेम डेट 12 फरवरी 2006 की। इनके जो अतिक्रमण अधिकारी थे उन्होंने अपने अधिशासी अभियंता को ये पत्र लिखा कि महोदय, नगर आयुक्त महोदय के आदेशों के अनुपालन में दिनांक 12 फरवरी 2006 को नगर निगम बरेली द्वारा महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय व इन्वर्टिस इंस्टीट्यूट का अनाधिकृत कब्जे वाली भूमि का कब्जा दीवार तोड़कर प्राप्त किया गया। इसका मतलब 2006 में ही आपने ले लिया था। जब आपने 2006 में ले लिया तो ये मुद्दा आखिर उठा क्यों? मैं आपको यहाँ ये भी अवगत कराना चाहता हूँ कि तत्कालीन पूर्व मेयर डॉक्टर आईएस तोमर और तत्कालीन नगर आयुक्त उमेश प्रताप सिंह जी को जब माननीय एनजीटी में सुनवाई चल रही थी तो उसका आदेश, माननीय एनजीटी का आदेश हुआ, उसमें एक एक दिन की सज़ा दोनों को हुई, 5-5 लाख रुपए का व्यक्तिगत जुर्माना पड़ा और 1 करोड़ का जुर्माना नगर निगम पे पड़ा कि किसी भी इंस्टीट्यूशन के बराबर में, जहां हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, दोनों इंस्टीट्यूट हैं जिनमें मिला के 10,000 से ज़्यादा बच्चा पढ़ रहा है, उनके बीच में इस तरह का प्लांट नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये एक राजनीति है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अधिकारी किसी भी पक्ष में बैठ जाते हैं, क्या लेके बैठते हैं, क्या करके बैठते हैं, ये वो जानते हैं, लेकिन मैं या इन्वर्टिस का कहीं भी किसी प्रकार का कोई ना कब्जा है। जब मैं चुनाव लड़ रहा था 2017 में तो यही मेयर थे, अभी जो पूर्व महापौर हैं उस समय यही मेयर थे, 2012 से 2017 तक ये मेयर रहे, 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही और उसमें 2 साल देश में भी इनके समर्थन से सरकार थी। अगर कब्जा था तो इन्होंने क्यों नहीं हटाया? और 2017 में जब मैं चुनाव लड़ने गया तो मैंने नगर निगम से एनओसी मांगी तो इन्होंने मुझे एनओसी क्यों दी? अगर मेरा कब्जा था तो एनओसी क्यों दी? दोस्तों, ये सिर्फ बहाने बनाए गए हैं, ये सिर्फ एक सुर्खियों में आने की बात है, लेकिन सुर्खियों में आके इनकी कुछ चलने वाली नहीं है। जो साफ है वो साफ दिखेगा और भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होके रहेगी।